जो होया मुरली जाओ सत्य सुने यारे सोना मंगाया सोने री बंछड़ी बनाई सत्य सुने यारे सोना मंगाया सोने री बंछड़ी बनाई। वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर कुकटी व्लॉग पार्ट 3। अगर आपने पहले के व्लॉग नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। व्लॉग में हमने आपको बताया कि था कि कार्तिक स्वामी कैसे कैलाश पर्वत को छोड़ के यहाँ आ गए थे। आज के व्लॉग में हम बताएंगे आपको कुकटी के बारे में। कुकटी हिमाचल की सेकेंड बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये ब्राउन बेयर और आइबेक्स के लिए बहुत फेमस है। तो चलो शुरू करते हैं आज का सफर। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभु, जय कार्तिक स्वामी, जय कार्तिक स्वामी, जय महाकाली, जय मुरारी माता। हाँ, सब लग रहा है ठीक। कुकटी में आपको दो तरह के घर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ के कुछ घर मॉडर्न तरीके से बनाए गए हैं और यहाँ के कुछ घर ट्रेडिशनल हैं जो लगभग काफी पुराने लग रहे हैं। इन घरों पर की गई कलाकारी इनकी खूबसूरती बढ़ा रही है। देखने में ये घर किसी जन्नत से कम नहीं लग रहे हैं। यहाँ के लोगों का फेवरेट खेल है ताश खेलना और यहाँ के लोग मिट्टी के चूल्हे पर स्वादिष्ट खाना पकाते हैं और यहाँ के लोगों का बिजनेस है भेड़ बकरियाँ पालना। आप इनके बनावे बिल पर बिल्कुल मत जाना, ये बहुत रिच होते हैं और ये भेड़ों से ऊन निकाल के कपड़े बनाते हैं और एक भेड़ बितने देते कि पूरे आईफोन आ जाएंगे उसमें। पूरी क्या भेड़ खरीदोगे इसमें तो 10-10 आईफोन एक गाड़ी भी आ जानी। ये है चरखा, इस पर गरम कपड़े बनाने का धागा बनाया जाता है। जो आप मेरे पीछे मशीन देख रहे हैं इसको कहते हैं रच। इस चरखे से धागा बनाया जाता है, उस धागे से उनकी बुनाई की जाती है, फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। चलो दादी माँ से पूछते हैं कि ये कैसे काम करता है। पट्टू बनता है, कोट बनता, कमरी बनती है, कैसे बनेगा? बुनना मरना करी फिर सीना बेड का बेड का कैसे बनना है? का। आपको पता चल गया है ये मशीन कैसे करती है। नीचे फुटगार्ड है जिस पर मैं पैर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ बनने पर मेरे पैर बहुत छोटे इसलिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये जो मैंने ब्लैक डंडा पकड़ा है इसमें धागा होता है जिससे कपड़े की बुनाई की जाती है। ये इनकी वॉशिंग मशीन जिसको कुंड कहते हैं, जो दादी ने बताया था कि कपड़ा तैयार होके इसमें जाकर पैरों से मार मार के तब जाकर फाइनल कपड़ा तैयार होता है। और ये ना लगो करते से नहीं लग नेटवर्क नहीं फिर के कर ले बाल सक दे ये बड़े से आप बंद ना ही नहीं ले मन को मेरे पिक्की वगैरह मुझे लग गया सोल्डर के फिर छुरे ना ना के नहीं खेलो ले करी। हां पिक्की वाली चाचू हां तैयार करके पहन लेता थी हां जरा मुझे एनसी आ रहा है ये है चूरी गाय जिसका घी बहुत टेस्टी होता है। तो ये आंटी उस गाय के लिए सर्दियों के लिए घास को ऐसे ये कर रही है तो घास ताकि चूरी गाय के लिए ऐसे बनता है। यहाँ कुछ घास को ऐसे किया जाता है रोल। इसको बैठ बोलते हैं, बैठ इसको बैठ बोलते हैं। घर बहुत सुंदर है, ट्रेडिशनल डिजाइन है। बड़े पे मौके आए ही तो अच्छा तो गाइस
आपने सुन लिया होगा कि बड़ी मम्मी डर गई है, इसलिए उन्होंने हमारे पीछे कान्हा दीदी को भेजा। तो आप देख सकते हैं नजारे कितने सुंदर हैं, देख सकते हैं कि झरने बहुत सारे, पुराना पुल भी देख सकते हैं। तो जो हम पहले ही पुल क्रॉस करके ऊपर चले गए थे, यहाँ से लोग बहुत दूर दूर से लकड़ियाँ लेके आते हैं घर के लिए। अगर आप यहाँ आए तो गर्म कपड़े पहन के आए, क्योंकि पहुँचते पहुँचते बहुत ठंडी हो जाती है। जब मैं मंदिर पहुँचा था तब मेरे को भी ठंड लगी थी। आप देख सकते हैं इतने सुंदर सुंदर झरने और गांव। तो गाइस ये आटा पीसने वाली मशीन जिसको घराट बोलते हैं, ये पानी से चलती है। जो आपने पहले वो झरना देखा था उससे चल रही थी ये। पानी ना हो तो ये काम नहीं करती, और इसका आटा बहुत टेस्टी होता है। तो ये है कोकती विलेज का सबसे खूबसूरत जगह जिसमें आता है झरना, ये घराट और ये पुल। तो गाइस ये कुकती विलेज का पूरा विलेज, ये ट्रेडिशनल हाउस जो देख रही, ये गर्मियों में ठंडे रहते और सर्दियों में गर्म होते रहते हैं। यहाँ आके आप बहुत शांत फील करेंगे और यहाँ से कभी भी जाना नहीं चाहोगे। अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो देख सकते हैं सुंदर नज़ारे को। यहाँ लिखा है कि पेड़ और जानवरों को ना मारे, लांदे सारे लोग सियाने, जंगल नहीं बढ़ने, जानवर नहीं मुकाने। बना कुकी ने ना तक बुना, ना दुख बुना, ना सुख बुना। गाइस सुना आपने प्रिया मसीह ने क्या बोला? अगर आप पेड़ काटते हैं तो ना आपको ना ही पेड़ मिलेंगे, ना ही भालू मिलेंगे, और ना ही ऑक्सीजन मिलेगा, और ना ही सुख मिलेगा। और ये वही रास्ता है जहाँ से मनमेश की परिक्रमा की जाती है। ये रास्ता बहुत ही मुश्किल है। एक रास्ता अड़सर से जाता है और दूसरा रास्ता गुगदी से जाता है। तो आप अच्छे कपड़े पहन के आते, जूते पहन के आना, और की शूज पहन के आना, यहाँ बहुत ठंड मिलेगी। तो आज का व्लॉग इधर ही खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू, खत्म गया।